भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान के बल्ले से जिम्बाब्वे की धरती पर सुनामी देखने को मिली है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उनके बल्ले ने ऐसी आग उगली कि सामने वाली टीम चारों खाने चित हो गए। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे जिम अफ्रो T20 लीग के एक अहम मैच में अपनी टीम जोबर्ग बफलोज के लिए उन्होंने महज 26 गेंदों में 80 रन ठोक डाले और इससे उनकी टीम को क्वालिफायर मैच में आसानी से जीत मिल गई। इस पारी में यूसुफ पठान ने 5 चौके और 9 छक्के जड़े। इससे पहले भी वे 2 मैच में तूफानी बल्लेबाजी कर चुके हैं। 1 मैच में 21 गेंदों में 36 रन बनाए थे जबकि 1 मैच में 16 गेंदों में 32 रन की पारी खेली थी। उनके छोटे भाई इरफान पठान भी इस लीग में खेल रहे और उन्होंने भी कुछ अच्छी पारियां खेली है। वही अगर इस मैच की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों यूसुफ पठान के लिए 1 लाइक जरूर बनता है।